कुछ खास बन रहा है आज। बिल्कुल सही बात। ये देखें, ये एडिट हो रही है, नजर नहीं आएगी क्योंकि वो घूम रहा है गोल गोल। ये शहजादी साहिबा के कपड़े जो हैं सबसे पहले धुलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहले दिलचस्प वीडियो से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो यह है कि काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही। हमारी वीडियो ना आने का मकसद क्या है तो आपको पता होगा कि मेरे बेटे की जो है ना एक्सीडेंट हुआ, जो वो टांग टूटने की वजह से ना तो दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। हकीकत बात है कि काफ़ी फिर उधर से बेटी मेरी जो है ना वो स्कूल जाती है क्योंकि उसके स्कूल सबके माशाल्लाह छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, बच्चे अब काफ़ी स्कूल जाने लगे हैं तो वो स्कूल चली जाती है और घर में हम होते हैं, वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। फिर स्कूल से वापसी आते हैं, फिर घर का काम ये वो सारा कुछ होता है रूटीन के मुताबिक, लेकिन वीडियो बनाने का दिल इस नहीं कर रखा क्योंकि घर में परेशानियाँ काफ़ी सारी, तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाते थे। तो खैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चले हमने कहा आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाए, चलो आज वीडियो डाल दें, फर्ज पूरा करें, है ना अबू? हाँ जी, और मैंने भी बोलना है वीडियो में नहीं जाना अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ, और हम सब ठीक हैं। बस जंगीत की ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा और अपने पैरों पे चलेगा। तो हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो स्कूल जाते हैं तो उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़रा होता है, याद करना होता है और होमवर्क भी लिखना होता है, तो घर के काम भी होते हैं, मसरूफ़ भी होते हैं, और फिर वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता क्योंकि व्यूज़ जो आते हैं ना हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। तो इतनी मेहनत खाम खा कर अपना टाइम भी निकालें और व्यूज़ भी ना आए, फिर तो दिल नहीं करेगा ना। अच्छा अबू, एक बात, दूसरी बात यह है कि जो तमाम दोस्त देखने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो में ऐसा क्या है कि जो आपका दिल नहीं करता देखने को? चले यार, आप आते हैं इतनी देर तक देखते हैं कि आते हैं भाई, हम आए हैं और वीडियो देखिए, कमेंट करके फिर चले जाते हैं, पता नहीं मसला क्या है आप लोगों को। चलिए अबू, अल्लाह हिदायत दे, जो हमारी वीडियो देखते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, चलो हमारी वीडियो भी देखें और हमें लाइक कमेंट्स भी करें, है ना अबू? हाँ जी, वही कहते हैं ना, दुनिया में सिर्फ वो लोग अच्छे हैं जो हमारी वीडियो लाइक करते हैं। सही बात। और इसमें लाइक की बात नहीं है, पूरी पूरी वॉच भी करनी है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है। वैसे तो काम भी बिखरा हुआ है, काफ़ी सारा काम भी करना है आज और खाना भी बनाना है, आपके साथ सारी रूटीन शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं, साथ साथ जुड़े रहने, कहीं भी नहीं जाना, चलें कुछ खास बन रहा है आज। बिल्कुल सही बात। आपको नजर आ रहा होगा हमारा घर इतना मैला हुआ पड़ा है क्योंकि हम जाते हैं स्कूल और फिर मम्मा अकेली होती हैं तो तंगी होती है, इतना सारा काम नहीं होता, हम होते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम भी करवा देते हैं। सबसे पहले आपको अपना कमरा दिखाती हूँ जो बिल्कुल ही ख़राब हुआ पड़ा है, इसकी हालत देखने की नहीं है। अब इसकी सेटिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर बाहर की सेटिंग और सफाई करेंगे। देखिए क्या क्या और कैसे कैसे पड़ा हुआ है, इस साइड पर भी काफ़ी सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो अभी इसे सेट करते हैं, उसके बाद फिर आपको रूम दिखाती हूँ, अभी देख लिया ना आपने, फिर क्लीन हो जाएगा, फिर भी देख लेना है, साथ साथ जुड़े रहना है। बस रूम में रहोगे क्लियर, फिर अब बाहर चलती हूँ, आपको बाहर दिखाती हूँ, बाहर से भी सेटिंग और सफाई करनी है। बस हमें पता ही नहीं था कि हमारी जो है वीडियो शुरू हो चुकी है इस वक्त, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम करती हूँ आपको, मेरी प्यारी सी बेटी चुकी है और मम्मा भी वेलकम कर, कोई बात नहीं, मैं भी आई हूँ ना तो हक तो बनता है ना, तो आपको अपने बेटी के चैनल में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जो मेरे चैनल का विजिट नहीं करता वो मेरे चैनल का भी विजिट कीजिए, इसको भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी यूट्यूबर हैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हम भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और बहुत ही दिल से, बहुत ही मान सम्मान से वीडियो बनाते हैं कि हमारे व्यूज़ आएंगे। हम कामयाबी के लिए, हर यूट्यूबर कामयाबी के लिए वीडियो बनाता है, हर यूट्यूबर जो है कुछ बनने के लिए वीडियो बनाता है, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, थैंक यू, जुड़े रहिए साथ। और अभी असर की नमाज का भी टाइम हो गया, आपको पीछे अजान की आवाज़ आ रही होगी, अजान की नहीं अजानों की काफ़ी सारी हो गई हैं और हमारी मस्जिद की भी हो गई है, तो नमाज पढ़ेंगे और आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे, नमाज की तो नहीं बाकी सारी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, मेरी वीडियो जो है एडिट हो रही है
तो ये देखें, ये एडिट हो रही है, नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो घूम रहा है गोल गोल, ये एडिट हो रही है। तो इसीलिए मैं अपना मोबाइल जो है साथ ही लिए ठहरी हूँ। तो आज हमने लगाई थी वॉशिंग, अभी अभी हम लोग फ्री हुए हैं तो आपको हमारा कैमरामैन जो है दिखाएंगे। तो मेरी जो सूख रहे हैं अभी, आपकी जो स्टार है ना ये थोड़ी सी ढीली सी है, सुस्त है। ये देखें ये कपड़े जो है, ये मुस्कान की दादी का फ्राक धुला हुआ, ये सब कपड़े जो है हमारे, इसमें मेरे एक भी कपड़े नहीं है। देखिए मैं कितनी शरीफ बची हूँ, मैं कपड़े मैले नहीं कर। नहीं व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये शहजादी साहिबा के कपड़े जो हैं सबसे पहले धुलते हैं, मतलब कि पहले इसके धुलेंगे और इसके बाबा के धुलेंगे, क्योंकि ये पहनती है ज्यादा वाइट कपड़े, इसको वाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस सबसे पहले इसके धुलते हैं। नहीं वैसे मेरे हैं ज्यादा वाइट, वाइट कलर हर ड्रेस में होता है, कोई ऐसा ड्रेस नहीं है जिसमें वाइट ना हो, ब्लैक के अलावा। तो इसलिए ये ज्यादा जो है वाइट कलर इसके हैं, इसलिए सबसे पहले इसके कपड़े धुलते हैं। और इसके कपड़े अभी बच्चे पड़े हैं, ये खुद धोएगी। ये बताना था, ये पड़े हैं इसके कपड़े नीचे, इतने सारे कपड़े हैं मेरे, मैं गंदे तो नहीं करती, वैसे ये शायद हो जाएंगे मेरे कोई महीने के। और कुछ आपको चेंज नजर आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, ये देखें कबूतर जा रहा है। कुछ आपको चेंज नजर आ रहा होगा मेरे किचन में, और किचन की हालत देखें, ये सब आपकी निकम्मी स्टार के काम है, काम नहीं करती। ये ठीक तो है, बस थोड़ा सा मैला है, असल बात ये है। अच्छा आप ये बताएं, सारा काम मैंने भी तो नहीं करना ना, मुस्कान आयशा मम्मा मैं, हम चार है ना, तो सारा मम्मा को ना गिनो भाई, मम्मा को ना आप गिनो, क्योंकि मम्मा होती हैं जहांगीर के साथ तो, और मुकद्दस जो है ये सब चल जाते हैं स्कूल, तो जिसकी वजह से घर के काम काज बिखरे ही पड़े रहते हैं पूरे। अब शाम से होता है घर, वो तो काम कर नहीं सकता, अगर वो कर सकता होता तो उसको घिसे पिटे को लगाती रहती कि काम करते रहो। और हमारी आज की खास डिश थी चावलों की, जो वहाँ पर पड़े हुए थे, अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। बस वीडियो खत्म करने की मुझे जल्दी है, फिर चावल पकाने हैं और फिर खाने हैं, थोड़ा सा इससे भी मिलेंगे। और मजे की बात तो ये है कि हमने जो है सुबह मतलब दिन को हमारा बिल आ गया है, कितना हमारा बिल आ गया, पूरे 18,000। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, इतना ज़्यादा बिल आया है। गरीब बंदे, कुछ लोग तो खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे को फायर कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो है वीडियो देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कुछ कर गए हैं। तो इसीलिए हमने कुछ भी नहीं किया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बिल भर लिया है। समझदार लोग हैं, समझदार हैं, खुदकुशी हराम है। तो बिल हमने भर लिया है खैर से, और हमने पंखा चलाना जो है दिन को बंद कर दिया है, जो एयर कूलर चलाते थे वो दिन को नहीं चलाते, सिर्फ रात को चलाते हैं, क्योंकि मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है और जंगीर आबाज की वजह से हमें चलाना ही पड़ता है। शाम को चलाते हैं, उसमें पानी वगैरह डाल देते हैं, शाम को बड़ी ठंडी हवा होती है। और हम दिन को क्या जो है चलाते थे, सिर्फ टीवी, फ्रिज और पंखे और बल्ब और मोबाइल और प्रेस, तो बस ये कुछ चलाते थे, इसे भी बिजली इस्तेमाल करना कहते हैं। चलो वीडियो भी एंड करते हैं, अभी मैंने चावल खाने और पकाने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, जिंदा रहे, मिलेंगे और ये वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद आपकी अपनी मुकद्दस खान, बाय बाय।